एमपी की बैतूल की महिलाएं अब किसी की मोहताज नहीं रहेंगी, वो आत्मनिर्भर की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। महिलाओं के समूह ने वॉशिंग पाउडर निर्माण की यूनिट शुरू की है, जिससे हर दिन 1 टन वॉशिंग पाउडर का निर्माण होगा और इसे बैतूल और इससे लगे जिलों में बेचा जाएगा। बैंसदेही तहसील के गांव चिचूला ढाणा में वॉशिंग पाउडर का निर्माण कर रही ये महिलाएं मजदूर नहीं बल्कि मालिक हैं। इनके वॉशिंग पाउडर का नाम भी आजीविका वॉशिंग पाउडर है। दरअसल राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजना चला रहा है। इसके तहत स्व सहायता समूहों का गठन किया जाता है और समूह से जुड़ी महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के कई सारे काम कराए जा रहे हैं। इन्हीं में से एक ये नया काम शुरू किया गया है। बताया जा रहा है कि इस इकाई में मच्छी, चिचोला ढाणा, खोदरी, महार पानी, बोरगांव, झल्लार, दामसार और साय गोहान से कुल 121 समूह सदस्य जुड़े हैं। इन 6 उत्पादक समूहों का गठन कर आजीविका वॉशिंग पाउडर बनाने के लिए इकाई की स्थापना की है। इस इकाई द्वारा हर दिन 1 टन पाउडर निर्माण किया जाएगा, जिसे बैतूल जिले के अलावा हरदा और छिंदवाड़ा जिले के समूह सदस्यों में भी बेचा जाएगा। अभी इकाई के पास 15 टन का ऑर्डर विभिन्न विकासखंड और जिले सीहोर से मिला है। समूह प्रबंधक नवीन मालवीय का क्या कहना है, सुनिए। विकासखंड भजदेही में ब्लॉक प्रबंधक के पद पर पदस्थ हूँ और आज यहाँ ग्राम चिचोला ढाणा में हमारे स्वयं सहायता समूहों की दीदियों के द्वारा वॉशिंग पाउडर निर्माण इकाई का शुभारंभ किया जा रहा है। इसमें हमने 6 गांव से 20-20 दीदियों के 6 उत्पादक समूह बनाकर उनको इस गतिविधि से जोड़ा है। टोटल 121 दीदियाँ इस कार्य से जुड़ी हुई है और हमारे साथ में आज बैतूल जिले के अंदर 90,000 परिवार जुड़े हुए हैं और वॉशिंग पाउडर का इस्तेमाल आज के टाइम में हर घर में लगभग उपयोग होता ही है और एक आकलन है कि 1.5 से 2 किलो प्रति परिवार वॉशिंग पाउडर का उपयोग हर माह होता है। तो अगर हम इस आधार पर बात करें तो हमारी जो इकाई है इसका प्रतिदिन 1 टन माल उत्पादन की क्षमता है। हम उस क्षमता का माल उत्पादन करके 30 टन माल प्रति माह हमारे समूह की दीदियों को ही विक्रय करेंगे। तो समूह के द्वारा और भी कुछ गतिविधि या कुछ और कार्य किए जाते हैं या सिर्फ वॉशिंग पाउडर ही बना रहे हैं? नहीं, और भी छोटे छोटे काम, व्यक्तिगत ऋण लेकर के भी कुछ स्वरोजगार दीदियाँ कर रही है। इसके अलावा ग्राम बालनेर में हमारा जैविक खाद, बायो बूस्टर और जैविक कीटनाशक बनाने की इकाई भी चल रही है। इसी के साथ और विभिन्न काम दीदियाँ छोटा छोटा ऋण लेकर के करती है, जिसमें किराना दुकानें हैं, मुर्गी पालन है, बकरी पालन है, गाय पालन है, व्यावसायिक सब्जी उत्पादन है, ऐसे बहुत से काम चल रहे हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है उसको आपके आजीविका मिशन के द्वारा साकार किया जा रहा है। बिल्कुल, नारी शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए आजीविका मिशन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है और इससे जुड़कर महिलाएं अपने आर्थिक विकास की ओर सतत अग्रसर हैं। सर, मैं ग्राम चिल्कापुर में रहती हूँ, लेकिन मतलब पूरे मतलब जितने अपने समूह हैं भजदेही ब्लॉक से, उतने समूह भजदेही से जो अपना बड़ा संगठन है वो संगठन में CLF संगठन से हूँ मैं। ये जो दीदियाँ हैं अपनी, हमारे साथ में तो लगभग 30 ग्राम संगठन जुड़े हैं। अच्छा, 30 ग्राम संगठन जुड़े हैं हमारे साथ में, तो हम दीदियों को मतलब मदद कर रहे हैं CLF के माध्यम से, जैसे रोजगार के तौर पे अभी इनको वॉशिंग पाउडर बनाने के लिए पैसे वगैरह हमारे संगठन से आते हैं। इसके लिए सर मतलब दीदियों को जोड़ा गया है, जो अपनी गरीब दीदियाँ है गांव-गांव जाके हमारी CRP दीदियाँ गई, उनके समूह बनाए और गरीब दीदियों को प्रेरित किया इस चीज़ के लिए कि भाई उनका मतलब रोजगार चले, अच्छा काम चले, और ये ऐसे तैयार कर रहे हैं। जैसे वॉशिंग पाउडर है, अभी हमारी दीदियाँ बना रही है वॉशिंग पाउडर। इसके अलावा अभी और सैनिटरी पैड और मच्छी में जैविक, हाँ साबुन का मालेगांव में, अच्छा अच्छा, और जैविक उत्पाद का यहाँ विजयग्राम में, मतलब सब दीदियाँ अपना अपना, हाँ सब दीदियाँ अपना अपना काम कर रही है और हम आगे भी चाहते हैं कि हमारी जो दीदिया है वो आगे बढ़े और बहुत अच्छे से काम करे, तो हम उनकी मदद करेंगे।
बैतूल से महेश चंदेल, सागर टीवी न्यूज़।